अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों पर सलामती हो, आप लोगों के बर्ड्स पर सलामती हो, आप लोग ठीक रहेंगे। दोस्तों आज जो आप मेरा सेटअप देखने वाले हैं, आप लोगों को देख के मज़ा आ जाएगा। आप लोग खुद कहेंगे कि अवैस भाई का जो सेटअप है देख के मज़ा आया। अब इसे कहते हैं कि मुकम्मल सेटअप। चलें आपको अंदर ले कर चलता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, एक छोटा सा ओवरव्यू है, ठीक है। ये आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूँ, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए मेरा पूरा सेटअप, ठीक है, जिसे कहते हैं ना प्रॉपर सेटअप। मैंने आप लोगों से जैसे कि बात की थी कि मेरी कुछ बर्ड्स आने हैं, असील बर्ड, तो माशाल्लाह से मेरे पास पहुंच गए घर में। मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, अब ये मेरे अपने घर में है, होम में है, ठीक है। इनकी मैं पूरी एक्सेसरीज जो आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। माशाल्लाह चेक करें, हीरा की ब्रीड जिसे कहते हैं ना, ये मेरे पास पड़ी है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे जो साइड पर मुर्गी है इस टाइम, ये मेरी घर की होम ब्रीड पट्टी है, ठीक है। प्रॉपर वाइट जिसे पेपर वाइट कहते हैं वो है, ठीक है, मेरे घर की होम ब्रीड है। इसकी मैं आपके फिलहाल पीछे दिखा रहा, मतलब पेट दिखा रहा था, माजरत। लेकिन ये आप ये देखें, इसका एक मिनट यहाँ से आइए चेक करें, ठीक है। ये मेरी मुर्गियाँ आप घर की, मेरे घर की हैं, ठीक है, सारी हीरा ब्रीड पड़ी है माशाल्लाह। ज़रूर आप लोग भी कहना ये मेरे घर की सारी होम, ये आप चेक करें, मेरे आए हुए हैं असील बर्ड्स। तो ये देखें आप लोग, ये आप लोग देखें, तो मैं ये देखें, ये भी मेरी एक मुर्गी, ये तीन मेरे पास तीनों हीरा की मुर्गियां, एक पट्टी है, बाकी दो त्या बिल्कुल बड़ी मादी हैं। ये देखें, ये मेरे पास हीरे का मेल है, ठीक है। इसके आप लोग ये पर जो उनसे थोड़े से मुर्गियों ने नोचे हुए हैं, क्योंकि इनका इनको हमने शिफ्ट करना था दूसरी जगह से, दूसरे वो भी एक शहर से दूसरी जगह नहीं। ये देखें, सिर्फ इस वजह से आप खुद देखेंगे मुर्गी क्या कर रही है, ठीक है। इस वजह से मुर्गे के पर सारे नोचे हैं, मुर्गा भी प्रॉपर पेपर वाइट था, सिर्फ इसका शिफ्टिंग की वजह से एक सूबे से दूसरे सूबे, सिंध से पंजाब में आए हैं, ठीक है। इसका हम मैं प्रॉपर इसको अलहदा करूँगा और इसके प्रॉपर मैं आपके साथ गाइड शेयर करूँगा कि इनके पर कैसे लाने हैं। ये भी जो आप मुर्गी देख रहे हैं, ये मियाँ वाली और अमरोहा ब्लड इसमें मिक्स है, ठीक है। ये मतलब प्रॉपर मियाँ वाली भी नहीं है ना अमरोहा, ठीक है, ये उनका मिक्सचर है। और इसके आप खुद देख रहे हैं, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी जिसे कहते हैं प्योर असील मादी, ठीक है। इसके पैरों की आप चेक करें, पैरों का रंग चेक करें पीला, चूंच का चेक करें पीला, आंख चेक करें कितनी गहरी है, और दूसरी बात आंख इसकी जो सी है वो भी नीली आंख है, ठीक है। ये फिलहाल इसलिए इसके साथ छोड़िए क्योंकि ये क्रॉस कर लें और मेरे पास अंडा आ जाए, वरना मैं इनको अभी मेरे पास आशिफ्ट ही हुए हैं, मैं सुबह इनको प्रॉपर धूप भी लगवाऊंगा और इनको मैं प्रॉपर छोड़ा करूँगा साथ, ताकि इनको इन खुडों में ना एक बारी बारी छोड़ा जाए। तो इनकी अभी खुडों की भी सफाई होनी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। छोटा सा आपके साथ सेटअप अपना शेयर करना था, जिसे मैं आप प्रॉपर सेटअप जिसे कहते हैं, ठीक है। मेरे घर के अभी बर्ड ने सारे, पहले भी आपने मेरी वीडियोज़ में देखे होंगे, ठीक है। तो ये मेरे अपने अब आगे घर की होम ब्रीड, तो इसके नाखून भी, जब जैसे कि एक टॉपिक है मैं आपके साथ अभी शेयर करता चलूँ कि इसके ऊपर कौन कौन से आएंगे, एक एक मुर्गी की डिटेल डालूंगा, ठीक है। अब मुर्गी के इसके पर जिस तरह आने हैं, ठीक है, पर किस तरह लाने हैं उसके बारे में बताऊँगा। अब इसके नाखून है देखे, ये बहुत गंदे हुए हैं, इनके कह बहुत भाड़ चुके हैं, पाँव खराब हो रहे हैं, क्योंकि शिफ्टिंग करनी थी वो काफ़ी अरसे से होना था, और जिनके पास थे वो भी ज़रा काफ़ी मसरूफ़ थे। तो इनके नाखून काटने हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा किसके मुर्गे के नाखून कैसे काटने हैं। माशाल्लाह मुर्गा भी प्रॉपर पेपर वाइट है, ठीक है, ये नहीं आप कह सकते कि बोस्का है, ठीक है। इसमें बोस्के का असली शेड है, शिफ्टिंग की मतलब आपको जैसे कि बता रहा हूँ कि इधर से उधर करना है, थोड़ा सा देखें खुड्डा है जिस तरह गंदा है, ठीक है। तो इस वजह से वरना मुर्गा प्रॉपर जिसे कहते हैं ना पेपर वाइट, ये वो चीज़ है, ठीक है। इसके नए फैदर्स अब आ रहे हैं, तो नए फैदर्स के अंदर इसका जो था गंदा पीलापन जो था वो इसका वापस वो ख़त्म हो रहा है। टील इसके आप चेक करें, ठीक है, माशाल्लाह। ज़रूर आप लोग भी कहना, क्योंकि चीज़ों को अक्सर नज़र लग जाती है अच्छी चीज़ को, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से छोटी सी शेयर करना था। और ये मेरा मिठू जौन सा मिठी है, इसका हमने नाम रखा, ठीक है। ये भी सारा दिन हमारे पास ही होता है, बात नहीं करने देता। ये मेरे जो से रिंग नेक है, ठीक है, रिंग नेक हो गया, बजीज हो गए, ड्रा हो गया, असील हो गए। आपको और क्या चाहिए अगर आपके पास ये हर किस्म की मुख्तलिफ वैरायटी हो। इंशाल्लाह मेरे पास आने वाले वक्तों में आप लोग लंग बर्ड भी देखेंगे, बजीज की कलोनी भी देखेंगे, और इंशाल्लाह मेरा सेटअप मजीद बढ़ते हुए देखेंगे। तो जो भाई नए इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।